दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर उस पहलू और हर उस एंगल तक ले जाएं जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो या आपकी सुंदरता से। मैं आज इंदौर में हूं और इंदौर में ही हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नए आयाम की जो लोग अब अपनाने लगे हैं। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं कही, या उसको एडवांस वे में कहें कि हम उसको फेशियल सर्जरी कह सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज़ होता है। अभी होता है कि नहीं होता वो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंदौर का एक रेनॉन हॉस्पिटल है V1 हॉस्पिटल, और उसी में मैं आज आया हूँ। मैंने सोचा एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके किसी से बात की जाए और पूछा जाए कि ये आखिरकार फेशियल सर्जरी है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ आप बने रहिएगा। और मैं बता दूँ, आपका परिचय पहले दे दूँ, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भार्गव हैं। आप ख्यात चिकित्सक हैं, आप सर्जन हैं, और सर्जन ही कह सकता हूँ सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं मेडिकल की भाषा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं एक बार आपको माफ़ी भी मांगूंगा अगर कुछ गलत कह जाऊँ। लेकिन तमाम बातें हम आज करने वाले हैं दोस्तों, और अनुराग सर से हम बात भी करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार सर्जरी जो है फेशियल सर्जरी क्या होती है, प्लास्टिक सर्जरी और फेशियल सर्जरी में क्या फ़र्क है, हम अगर करवाते हैं तो खर्च कितना आता है। ये तमाम सवाल हैं जो आपको आज सुनने को मिलने वाले हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि आखिरकार सर, जब हम बात करते हैं फेशियल सर्जरी की, ये फेशियल सर्जरी शब्द जो है ये कब आया अस्तित्व में? फेशियल सर्जरी फेशियल सर्जरी शब्द का अस्तित्व तो मुझे नहीं मालूम होगा इतिहास में कब आया, बट ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आज के दौर में फेशियल सर्जरी का बड़ा बोलबाला है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग बाग फेशियल सर्जरी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और एक्सपर्टीज़ भी डेवलप हो रही हैं फेशियल सर्जरी को लेकर के, तो ओवरऑल जागरूकता बहुत ज़्यादा है। हमारे पास रोज़ बहुत सारे इंक्वायरीज़ होती हैं, लोग बाग कुछ ना कुछ फेस में अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो पहले तो लोग सर हम देखते थे कि जैसे किसी का मान लीजिए गंभीर एक्सीडेंट हो गया, चेहरा उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया, नाक टूट गई या जबड़ा टूट गया या कहीं भी लग गई चेहरे पर, तो वो मजबूरन अपना सर्जरी कराया करते थे। ये ट्रेंड अब बदला है क्या? क्या अब लोग दूसरे तरीके अपनाने लगे हैं? क्या सुंदर दिखने के लिए भी सर्जरी होने लगी है? हाँ, वो तो इमरजेंसी में आता है डेफिनेटली। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ टूट फूट हो गई, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करना तो ज़रूरी है, ये तो एक मेडिकल फैटर्निटी की ज़रूरत है ही, कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, इलेक्टिव सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज कहेंगे तो मैं उस पर कमेंट ज़्यादा कर पाऊँगा, बिकॉज आई एम द फेशियल प्लास्टिक सर्जन। तो आजकल कोल्ड सर्जरीज जिन्हें बोलते हैं, अपने चेहरे को चेंज कराने के लिए जो सर्जरीज कहते हैं, अपने आप को ज़्यादा आकर्षक दिखने के लिए जो सर्जरीज होती हैं, उनका दौर बहुत बढ़ता जा रहा है। लोगों को चाहिए कि मेरी नाक ऐसी दिखना चाहिए, मेरे चेहरे का प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए, मेरी मुस्कान, मेरी स्माइल ठीक होना चाहिए, अगर मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मेरे बाल पूरे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है, डेफिनेटली बहुत जागरूकता आई है। लोग भी बहुत ट्रेंड हुए हैं, आज शहर में इन सुविधाओं को देने वाले और भी कई सारे लोग हैं। अगर हम V1 हॉस्पिटल की ही बात करें, तो मुझे लगता है कि हमने फेस की सर्जरी को लेकर के, डेडिकेटेड फेस की सर्जरी को लेकर के काफ़ी अच्छा सेंटर डेवलप किया है। मुझे लगता है मध्य भारत में ये एक अपने आप में अनूठा है। हमारे कार्य प्रणाली जो है, अगर मेरी बात करें तो जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिजिटलाइजेशन जो आजकल हो गया है, पहले क्या हुआ करता था कि सर्जरी सर्जन पर डिपेंडेंट रहती थी, बट आजकल टेक्नोलॉजी, साइंस और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे हम कहीं ज़्यादा बेहतर और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के, वो सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं भी हैं, और मैं उनका उपयोग कर करके पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर भी करता हूँ। हम इसमें सर दो पहलू देखते हैं जब हम कोई भी सर्जरी की बात करते हैं। एक सामान्य ऑपरेशन में भी लोग नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, ये जब सर्जरी होती है फेशियल सर्जरी, तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, अगर हैं कुछ तो? क्या इसका कोई रिएक्शन होता है? क्या लोग डरते हैं, कहते हैं कि फेशियल सर्जरी कराने से बाद में परेशानियाँ हो सकती हैं, तो ऐसा क्या कुछ भ्रांतियाँ हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं? इसमें देखिए, भ्रांति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमेशा कॉस्मेटिक जो रहती सर्जरीज जो रहती हैं वो पर्सन डिपेंडेंट रहती हैं। हर व्यक्ति का आजकल क्या है, रेफरेंस पॉइंट्स हो गए हैं, मुझे ऋतिक रोशन के जैसा दिखना है, मुझे फलाने व्यक्ति जैसा दिखना है, तो
तो वो लोग उसका रेफरेंस इमेज लेकर के आते हैं, और रेफरेंस इमेज लेकर के आने के बाद होता क्या है कि वो वैसे ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट उन्होंने जीवन भर से अपना चेहरा उसी प्रकार से देखा होता है, तो उन चेंजेस के लिए कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करना पड़ती है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी फेस की मेजर सर्जरी या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज कराना चाह रहे हैं तो। सर हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बस मैं यही बोल रहा हूँ, प्लस आपने जो पूछा कि इसके कोई आफ्टरमैथ्स होते हैं, तो डेफिनेटली अगर चीज़ें करेक्ट ना जाएं तो वो चेहरा है दिखेगा ही। हाँ, सही बात। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, तो हमको प्रिडिक्शन दिखाना आजकल पेशेंट को बताना कि वो कैसे लगने वाले हैं बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे जब हम घर बनाते हैं तो आपको पहले दिखा दिया जाता है कि रूम इतने साइज़ का इतना बड़ा है और इतना अच्छा लगने वाला है। करेक्ट, हो बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा, जो प्लास्टिक सर्जरी की जब बात करते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी और फेशियल सर्जरी एक ही चीज़ है या अलग अलग है, और इसमें फ़र्क क्या है दोनों में अगर कुछ है तो, या नहीं एक ही है? प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रॉडर टर्म है। प्लास्टिक सर्जरी का रेफरेंस मुझे लगता है सॉफ्ट टिश्यू के हिसाब से होता है। हमारे जब बोन इन्वॉल्व नहीं रह रही और सॉफ्ट टिश्यू की हम सर्जरी करते हैं पूरे शरीर में कहीं पर भी, चाहे वो कहीं के फ्लैप्स उठा करके करना हो, कहीं का मांस कहीं लगाना हो, वैस्कुलर सर्जरीज करना हो, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। लेकिन अगर हम फेस की डेडिकेटेड सर्जरी को बोलें तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू और बोन दोनों आती हैं, बिकॉज हमको फेस के स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है प्लस सॉफ्ट टिश्यू को भी चेंज करना पड़ता है। इसमें सर आपके पास जो एज ग्रुप है अभी, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा आ रहा है फेशियल सर्जरी के लिए? यंग जनरेशन ज़्यादा क्यूरियस है, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहता है, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, तो यंग जनरेशन का ज़्यादा वो है। एक दूसरा तबका जो है वो है अधेड़ उम्र जिसे बोलते हैं, प्लस 40 वाले जो लोग हैं, फेस पर रिंकल्स आना चालू हो रहे हैं या फेस का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, दे वांट टू लुक स्टिल यंगर, सो उन लोगों में बोटॉक्स फिलर्स इस तरीके की चीज़ों को कर करके आप एजिंग को कम कर सकते हैं। जो जो सर्जरी है सर, चेहरे की सर्जरी है, उसका मतलब कराने को तो सब करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कब होती है वो, क्या कहते हैं, मतलब ज़रूरी होती है भी कि नहीं होती है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, मेरे हिसाब से इसको दो भागों में बांटना चाहिए। कुछ सर्जरी हैं जो कि वाकई में ज़रूरी होती हैं, अगर वो जन्मजात डिफॉर्मिटी कोई चेहरे पर है या किसी एक्सीडेंट के कारण आपको डिफॉर्मिटी आ गई है, तो इस प्रकार के उनका रेक्टिफिकेशन करना तो ज़रूरी सर्जरी में आ जाता है। लेकिन अगर कॉस्मेटिक की बात करें तो दैट इज़ 100% डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। अगर वो चाहता है कि वो इससे और बेहतर होना चाहता है, आज देखिए ना कितने सारे जिम्स खुल गए हैं, हर कोई अपनी बॉडी को और बेहतर दिखाना चाहता है, आज से कई साल पहले लोग बाग वैसे ही रहते थे, सो दीज आर द रिलेटिव थिंग्स मुझे लगता है, तो इसलिए इसका प्रचलन आजकल ज़्यादा हुआ है। इसमें सर अगर और मैं इसको थोड़ा सा डीप में जाऊँ तो हम कहें हमारी जो जॉ लाइन है या हमारे जो लिप्स के साइजेस हैं करेक्शन है वो है, नोज़ का करेक्शन है, ये कैसा कितना टिपिकल होता है, क्या मतलब बहुत आसान है या नहीं, आप बहुत क्योंकि अब हैबिट होगी तो आराम से कर देते हैं, क्या लोगों को परेशानी भी होती है इस बीच? हाँ डेफिनेटली, कोई भी अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं तो थोड़ी जटिल तो हैं सर्जरीज, बिकॉज आपको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, आपको प्रोपोर्शन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस कैलकुलेशन को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपकी सर्जरी सफल नहीं मानी जाएगी, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी चीज़ के लिए आप मैं बताऊंगा, आजकल डिजिटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपको किसी बोन को किसी लेवल पे घुमाना है या उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो पहले उसका प्रेडिक्शन आजकल सॉफ्टवेयर पे कर लिया जाता है, और सॉफ्टवेयर पे कर करके एक टेंटेटिव आइडिया लगता है कि इससे क्या होगा, किस तरीके का लुक आएगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ पर रोज़मर्रा में कर रहे हैं। आजकल 3D मॉडल्स बनने लग गए हैं, उन 3D मॉडल्स पे पहले मॉक सर्जरी हो जाती है, तो उससे आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसते। सर इंदौर की अगर हम बात करते, क्योंकि इंदौर से ही हम बात कर रहे हैं आपसे, इंदौर से बैठ करके, तो इंदौर का जो पोटेंशियल है या आसपास के जो लोग हैं, क्या इंदौर आके करवाते हैं या इंदौर में अभी ये चीज़ें बूम कर रही हैं, क्या लग रहा है?
हाँ, इंदौर से तो डेफिनेटली लोग वाग आ ही रहे हैं, यंग जनरेशन की क्वेरीज ज़्यादा हैं, आसपास के इलाके से भी आ रहे हैं। मेरे पास लगभग पूरे भारतवर्ष से, इवन ओवरसीज से भी पेशेंट आते हैं जिनको कि हम ट्रीट करते हैं, बट इंदौर की संख्या ज़्यादा है डेफिनेटली। क्या कहेंगे जो खर्च की बात आती है जब, तो क्या इसके शुरुआत कितने से है और क्या अब ये पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है या नहीं, अभी उतना ही है लेवल उतना ही है, खर्च तो उतना ही होता है। सुंदर दिखना सस्ता कैसे हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस इंटरव्यू का। सुंदर दिखना सस्ता उमेश, खर्चा तो उसमें लगता ही है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगा है, लेकिन देखिए जिसको सुंदर लगना है उसके लिए महंगा सस्ता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव जो एक हम अगर कहें कि हाँ, कोई अगर जैसे देख रहा है और उसका मन होता है कि यार मैं करवा लूँ, मतलब ठीक दिखूंगा चेहरे से, तो ऑन एन एवरेज कितना तक खर्च होता है उसका, एक मतलब एक बजट कुछ ऐसा बता सके कि हाँ इतना तो खर्च होता ही है एटलीस्ट। एक्चुअली ये 100% सर्जिकल सर्जरी पर डिपेंड करता है कि आप क्या सर्जरी कर रहे हैं और उसकी स्टेजिंग कितनी होने वाली है, ख़ासतौर से कॉस्मेटिक सर्जरीज में ये बहुत डिपेंड करता है। बट हाँ, पहले से आज की डेट में ये सर्जरीज काफ़ी सस्ती हुई हैं, काफ़ी किफ़ायती हुई हैं, क्योंकि लोग वाग अगर बढ़ रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब किफ़ायती तो हुई हैं, टेक्नोलॉजी भी फ्रेंडली हुई हैं, टेक्नोलॉजी के कारण भी इजी हुई हैं डेफिनेटली। अच्छा, इसमें सर जैसे हम बात करें कि जब लोग यहाँ आपके पास आए करवाया, तो उनको वक्त कितना चाहिए होता है, कितना समय लगता है ये सब करवाने में? यूजुअली फिर से मैं वही कहूँगा कि ये सर्जरी टू सर्जरी डिपेंड करता है। आजकल बहुत क्विक सॉल्यूशंस भी हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं। अगर आपको फेस का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यूजुअली पेशेंट मेरे यहाँ जो भी ऑपरेशन होते हैं, 3 दिन के एडमिशन में काम ख़त्म हो जाता है, बट उसकी फुल रिकवरी होने में लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है। अगर आप नॉन इन्वेजिव कॉस्मेटिक की बात करें तो वो तो डे केयर है, जिसमें कि आप फिलर्स डाल करके एनहांसमेंट फेशियल कॉस्मेटिक्स का कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सर एक सवाल और है कि जो कैटेगरी आपके पास आ रही है उसमें मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं क्या कारण लेके आती हैं आपके पास, क्यों सर्जरी करवाती हैं? यूजुअली कारण तो मैं नहीं पूछता हूँ। लेकिन हाँ, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो जैसे शादी होती है ना, भाई शादी करनी है तो मुझे थोड़ा सुंदर दिखना है, या कुछ और कारण। फेशियल सर्जरी में ये ज़रूरी है कि हम जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोपोर्शन सर्जरीज करते हैं वो यूजुअली लड़कियां शादी से पहले कराना चाहती हैं, बिकॉज़ उनको चेहरे का प्रोपोर्शन ठीक चाहिए, नाक ठीक चाहिए, ओवरऑल लुक्स ठीक ठाक चाहिए। तो जिससे कि आजकल लोग अपनी वेडिंग्स में भी पैसा बहुत खर्चा करते हैं फोटोग्राफी और उस पर, तो उसमें उनको वो लुक्स चाहिए रहते हैं। तो लेकिन अगर हम दूसरे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की अगर बात करें, अगर कोई डिफॉर्मिटी किसी के चेहरे पर है तो वो शादी से पहले करेक्ट जरूर करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें चेहरे में सर हमारे दांत भी आते हैं ना, दांतों की बात जब आती है तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो क्या हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी भी है कि यहाँ पर चेहरे और दांत दोनों एक साथ व्यवस्थित हो जाएं, मतलब ऐसा भी कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है क्या? हाँ, हम लोग, हमारे पास डेंटल सेंटर भी है और हमारे डेंटिस्ट वहाँ पर काम करते हैं, और उसमें कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइन और वो सारी चीज़ें बहुत होती हैं, थोड़ा सा फैंटेसी टाइप का। यस यस यस, कॉस्मेटिक में दांत तो ज़रूर आते हैं, बिना दांत के आप हंस, मुस्कुराहट जो है सही पूरा पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसमें स्माइल डिज़ाइन वगैरह हम सब लोग यहाँ पे हमारे सेंटर पे होती है। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो है सर जहाँ हम हैं, 2 साल उसको हो गए तकरीबन, तो क्या कहेंगे क्या उपलब्धि रही, मतलब अभी तक क्या खास रहा है सर जो आप बताना चाहें, कुछ एक बड़ी बात कि हाँ इसमें अच्छा हुआ? उमेश, एक शब्द में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है 2 साल पूर्ण होने पर इस अस्पताल के, सबसे मुझे लगता है प्रयास। शहर में काफ़ी सारे प्रयास हुए, दोस्तों ने मिलकर के अस्पताल खोले, सब कुछ हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ये एफर्ट किया। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे सारे सर्जन्स बहुत अच्छे हैं। इन मात्र 2 सालों में हम लोगों ने 8,000 से ऊपर पेशेंट ऑपरेट कर दिए हैं, जिनको कि स्माइल दिए हमने, खुशी खुशी वो घर गए हैं अपने।
हमने जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती थी एक छत के नीचे लाने की कोशिश की है, मरीज़ को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि एक बहुत केयरिंग माहौल, हॉस्पिटल का माहौल ना देते हुए केयरिंग माहौल देने की कोशिश की है। तो मुझे तो लगता है हमारे 2 साल बड़े बेमिसाल रहे हैं, अभी आगे और आने वाले हैं। आखिरी सवाल, जो हम वापस में फेशियल सर्जरी पर ही आऊँगा, कि अगर इंदौर कोई करवाना चाहता है तो उसको कोई प्रिपरेशन भी कुछ करना होती है क्या? मतलब फेशियल सर्जरी से पहले कुछ खाने पीने में या कुछ कॉस्मेटिक्स से जुड़ी कुछ चीज़ें यूज़ करने में, क्या कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा तो स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि खाने पीने को रिलेटेड है, बट हाँ, प्रिपरेशन में हमको थोड़ी सी प्रिपरेशन ये करना पड़ती है। स्पेसिफिकली हम लोग फोटोग्राफ, सीटी स्कैन्स और इन पर वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मर्ज करना पड़ता है, तो वो सारी तैयारी थोड़ी सी पहले लगती है, फिर उसके बाद पेशेंट से बैठ के बात की जा सकती है और वी कैन गेट गुड गुड रिजल्ट्स। अच्छा, ये कितने दिनों तक, मतलब ये ता उम्र रहता है या उम्र के साथ साथ फिर वापस वैसे ही चेहरा होने लगता है, क्या इसका ऐसा कुछ भी है? अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज, एक्सपायरी डेट भी है क्या कुछ इसकी? एक्सपायरी डेट तो सबके, लेकिन ऐसा है उमेश कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आप जो करते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमेशा रहते हैं। एक बार स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, स्ट्रक्चर से मेरा मतलब और क्लियर कर दूं मैं कि अगर बोन्स में चेंज कर रहे हैं आप तो वो चेंजेस हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट टिश्यू के लिए कुछ कर रहे हैं तो जैसे एजिंग के कारण सॉफ्ट टिश्यू भी एजिंग होती है, वो एजिंग का वो झुर्रियाँ तो आएंगी। हाँ, लेकिन उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है, मेंटेनेंस किया जा सकता है। यार, बहरहाल आपको बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और मेरे साथ थे अनुराग भार्गव। आप जो जानकारी आपने दी है मुझे लगता है आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन एक बात यह है कि अगर आप फेशियल सर्जरी प्लान करते हैं तो आज के दौर में ये उतना महंगा नहीं।